डस्की स्किन पर कौन से कलर्स है जो जनरली अच्छे लगते ही है? आई हैव सो मेनी ग्रेज। तो आपका यहाँ पे कुछ ऑफर भी चल रहा है ना दिवाली? यस, हमारा अभी ऑफर है 499 में ग्लोबल एक कूल कलर में, ये वाला कलर हम शेड करेंगे। आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग समथिंग दैट आई हैव बीन वांटिंग टू डू, विच इज गिव माई सेल्फ अ हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन। यू गाइज हैव सीन सालों से, 5-6 सालों से तो मुझे सेम कलर ऑफ हेयर सेम हेयर कट में देख रहे हो, बट वेट अ सेकंड, करेक्शन, नॉट सेम कलर ऑफ हेयर। मैंने बहुत सारे हेयर कलर एक्सपेरिमेंट्स इस चैनल पर किया, कलर माई हेयर पिंक, पर्पल, ब्लू, ऑल दोज काइंड ऑफ कलर्स। मैंने घर पर भी कलर किया है, घर पे हेयर कट्स के एक्चुअली मैंने वालों के साथ काफी अतरंगी चीजें की है, बट जो नेचुरल नॉर्मल ब्राउन कलर होता है वो ग्लोबल, वो मैंने कभी नहीं किया। तो पॉइंट बीइंग, मैं अभी आई एम हेडिंग टू द सलोन फॉर अ हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन। आई प्लान टू, लेट मी शो यू माय हेयर लेंथ राइट नाउ। आई प्लान टू, बहुत ही ज्यादा लंबे वाल हो गए मेरे, तो प्लान टू कट दीज यहाँ तक है ना, तो मुझे लग रहा है यार यहाँ तक तो मैं कर ही लूँ, काफ़ी टाइम से इतने ही लंबे वाले में, सोचो थोड़ा सा हेयर कट करे, ग्लोबल एक कलर करे, कुछ हाइलाइट्स करे, सो इट लुक्स लाइक आई हैव डन सम काइंड ऑफ अ चेंज। उसके पहले सम लिटिल स्किन केयर, सो फॉक्सटेल हैज सेंड मी सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने रिसेंटली यूज करना शुरू किया, लाइक दिस यू नो ग्लो सनस्क्रीन, देन देयर इज अ विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम, देयर इज एन ओवरनाइट ग्लो मास्क। तो विटामिन सी तो मैंने अभी यूज नहीं किया, बट जो ओवरनाइट मास्क है और जो सनस्क्रीन है मैंने वो यूज करना शुरू किया। देन देयर इज दिस द मिल्की वे रैपिड स्पॉट रिडक्शन, दे क्लेम दैट इट रिड्यूसेस मार्क्स एंड हाइपरपिगमेंटेशन एंड इवंस आउट स्किन टोन। इसमें एग्लियोपेप्टाइड 668+ ट्रैनेक्समाइड एसिड है एंड इट वर्क्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स आर देयर क्लेम। मैंने ये वाला जो है मैंने सोचा चलो थोड़ा ट्राई करते, बिकॉज आफ्टर माय एक्ने आई हैव सम लाइक मार्क्स रिमेनिंग, सो आई वांट टू गिव दिस अ शॉट एंड सी इफ दिस विल वर्क। सो लेट मी शो यू हाउ दिस इज। दिस हैज लाइक दिस मिल्की टेक्सचर, लाइक द नेम सेज इट्स कॉल्ड मिल्की वे। लुक एट दिस, इट्स फुल्ली लाइक दिस मिल्की टेक्सचर दैट यू आर सपोज टू जस्ट यूज एज अ स्पॉट करेक्टर एंड पुट इट ऑन योर स्पॉट्स। तो अभी रात को 2-3 दिन से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है। I will update you how it works for me. For that, you should go follow me on Instagram, because मैं जब भी कोई नई चीज़ लाती हूँ प्रोडक्ट्स में वहाँ पर स्टोरीज डालती हूँ, आई टेल पीपल वेदर दे वर्क मी और नॉट। सो डेफिनेटली गो फॉलो मी देर एंड इफ यू आर वॉन्ट चेक आउट दीज प्रोडक्ट्स बाय फॉक्सटेल। सो पॉइंट बींग, आज मैं अपने वाल कलर करने जा रही हूँ। टुडे इज गोना बी द डे, अंधेरी में मेरे घर के पास ही एक सलोन है, सो लेट्स गो देर एंड लेट्स डू दिस। एंड वी आर रेडी, 2:30 का अपॉइंटमेंट था, 2:40 इधर हो रहे हैं, सो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी लीव। मैं घर से बाहर निकल के शूट करने वाली थी, तो बराबर मेरे कदम बाहर रखते ही बारिश शुरू हो गई, बट आई हैव रीच द एरिया जहाँ पे ये सलोन है, जहाँ से आई एम गोना गेट दिस थिंग डन। सो मैं सब टी वी लेन के पैरल वाली गली में इस वक्त हूँ, एंड राइट देयर बिहाइंड मी इज मुंबई हेयर सलोन। बाय द वे, दे आर हैविंग सम रियली गुड हेयर कलर, ग्लोबल हेयर कलर, हाईलाइट, बालाज एंड ऑल का ऑफर्स राइट नाउ। काफी टाइम तक इनके ऑफर्स चलने वाले, आई थिंक कुछ दिवाली तक इनके ऑफर्स चल रहे हैं। आई हैव गॉन इनसाइड इंक्वायर्ड एंड आई एम गोना मेक यू मीट द गाय हु इज गिविंग पीपल लाइक रियली वंडरफुल हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन। हेलो मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आज क्या करने हो? आपके इंस्टाग्राम के रील ट्रांसफॉर्मेशन देख के मैं यहाँ पे आई हूँ, आपकी रील्स बड़ी काम आई, सारा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप कभी कुछ करते हैं फिर ट्रांसफॉर्म? यस बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने उनको कॉल करके पूछा, अगर आप रहेंगे तो मैं आ रही हूँ, तो आप ही करोगे ना मेरा अच्छा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन? मैं ही करूंगा। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू रिहान। रिहान इज अ वंडरफुल हेयर स्टाइलिस्ट, बहुत सारे सेलिब्रिटी के हेयर स्टाइल्स करते हैं, मेकओवर्स करते हैं। सो रिहान, आपके आपके बारे में जरा बताइए, आप किस किस के लिए काम कर चुके हैं? हाँ, तो अभी तो बहुत टाइम हो गया और यहाँ पे भी हमारे पास काफी सारे सेलिब्रिटी आते हैं। यस yes. जैसे कि आयशा खान है, हाँ, अर्चना है, और भी बहुत सारे, अर्चना फ्रॉम बिग बॉस, हाँ, सब बिग बॉस वाले ज्यादा आते हैं हमारे पास। आपको पता है मैं भी बिग बॉस वाली हूँ। अच्छा, मैं बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में काम करती हूँ। तो मतलब सब हमारे पास बिग बॉस वाले ही आते हैं। कर चुकी हूँ, करती हूँ नहीं। एनीवे, सो ही इज द मैन, ही इज गोना गिव मी द हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, जो सालों से मैं मेरे बालों में यही बाल देख देख के पक चुकी हूँ मैं, तो देखे आज क्या करते हैं। आज आप लोग देखो बहुत ही अच्छा प्यारा से एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इनके बालों में। मेरा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था, जो मैंने रिहान को बताया, इस मैंने कभी भी बालों पे वो नॉर्मल ब्राउन वाला जो ग्लोबल हेयर कलर होता नहीं किया। आई हैव सो मेनी ग्रेज, लाइक आई एम, बट आई हैव जस्ट बीन ओके विद इट, मुझे ग्रेज से फर्क नहीं पड़ता। बट अभी बिकॉज मैं इस कलर से इतना बोर हो गई हूँ, मैंने उनको बोला कि यार कुछ करके दो, आई डोंट नो व्हाट विल लुक गुड फॉर डस्की स्किन टोन लाइक माइन। तो मैंने 2-3 रेफरेंसेस निकाल के उन्हें दिए हैं। जैसे आप अगर हमें बताएं तो जैसे डस्की स्किन पर कौन से कलर्स है जो जनरली अच्छे लगते ही है? डस्की स्किन पर ज्यादातर कूल कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक जैसे वार्म करेंगे तो बहुत अलग ही अपने जो स्किन का प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो
डार्क स्किन पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो कूल कलर होते हैं बेसिकली वो ज्यादा अच्छे लगते हैं. ग्लोबल एंड हाईलाइट थोड़ा बालियाज उसमें ऐड करके अगर करते हैं. लेट्स होप दिस गोज वेल. वैसे टचवुड मेरे सारे हेयर कलर एक्सपेरिमेंट्स जनरली अच्छे जाते हैं, बट लेट्स नॉट जिंक्स इट. लेट्स होप दिस गोज वेल. स्टार्ट करते हैं फिर. चलो शुरू करें. काफी लेंथ हमारी कट चुकी है, अभी आगे का कट करना बाकी है मैडम. ये लेंथ बाकी है. ठीक है, बट बहुत छोटा मत करो आगे से. नहीं, बहुत शॉर्ट नहीं होगा. बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप वन हो चुका है जो कि मेरा हेयर कट है. माय हेयर हैज बीन कट एंड आई थिंक द लेंथ इज फाइन. मैं पहले देख के थोड़ी शॉक में आ गई क्योंकि हमेशा लंबे बालों की आदत होती है. नाउ इट्स गॉन टिल ईयर. काफी दिनों बाद ये वाली हेयर लेंथ पे मैं आई हूँ, बट आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस. एंड अब हम लोग रेहान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं जो है कलर सिलेक्शन. तो एक बार हम देखें क्या क्या है. जैसे कि हमें बहुत वार्म कलर नहीं चाहिए. ये कूल कलर में ये वाला कलर हम शेड करेंगे. तो ये ग्लोबल के लिए? नो, ये आएगा आपका हाईलाइट के लिए. ओके, सो ये अपने हाईलाइट ऑप्शन है ये वाले. यस, ये हाईलाइट ऑप्शन है. वार्म है. अच्छा, ये थोड़ा सा बहुत कूल कलर. अच्छा, ये दोनों हम कैसे थोड़ा सा इसमें हनी ब्राउन जैसे भी आएगा, एश ब्राउन टोन आएगा, कूल भी है और अच्छा भी लगेगा. ठीक है, एंड ये थोड़े से वार्म हो जाएंगे, गोल्डन लुक वो वार्म हो जाएंगे. तो एक्चुअली मुझे तो लगता था कि मेरे स्किन टोन जैसे लोगों के लिए इस टाइप के कलर बेटर रहेंगे. नहीं, ये दोनों हाईलाइट के लिए नहीं अच्छा लगेगा. तो दिखेगा इससे ज्यादा बेटर ये दिखेगा. ग्लोबल के हम करने वाले हैं एक नेचुरल शेड. मैम आपके बहुत ज्यादा ग्रे हेयर है, ब्राउन कलर करेंगे जिससे कि पूरा आपका हेयर पूरा ग्रे आपको जो है कवर हो जाएगा. नेचुरल ब्राउन, बट थोड़ा और कुछ ऐसा ब्राउन नहीं हो सकता जो विजिबल है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बाल इसी ब्राउन के आसपास है अभी. ये विजिबल रहेगा, लाइट हेयर तो ऑलरेडी लाइट हो जाता है. नहीं, लाइट नहीं, मैं बोल रही हूँ थोड़ा जिससे थोड़ा ज्यादा फर्क समझ आए, जैसे ये थोड़े अलग है मेरे बालों के. हाँ, कलर तो ये भी कर सकते हो आप, चॉकलेट ब्राउन वगैरह सब आएंगे. ये सब भी कर सकती हूँ ना. हाँ, मुझे ये वाले शेड में जाना है क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी इसी टाइप के कलर के अभी. हाँ, तो मुझे कुछ चेंज चाहिए. हाँ, हो जाएगा. तो हम ग्रे हेयर के लिए करते हैं, ये भी ज्यादा बेटर. ये भी बहुत अच्छा है एक्चुअली, महोगनी एश ब्राउन. एंड दूसरा इस साइड दिखाओ. अभी हमने इनके चांदी लगा के रखा है. कैसा लग रहा है मैडम आपको चांदी? मुझे मेरा सर काफी भारी लग रहा है. मुझे लग रहा है मुझे चाय या कॉफी की सख्त जरूरत है. तो ये क्या लोगे आप, कॉफी और चाय? नहीं, मैं मंगा रही हूँ. मैं मेरे सलोन में आई वुड सी गर्ल्स वेयरिंग ऑल पुटिंग ऑल दिस ऑन देयर हेड एंड आई थिंक क्या है. बहुत हैवी लग रहा है ना. और मैंने ये कभी नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट. दिस इज समथिंग जो लड़कियां ये हर 3 महीने में करती है. लाइक लेकिन ये करने के बाद में जो लुक आते हैं ना, आई अग्री, वही होता है ना. ये पहले मैं ये भी नहीं करती थी, मुझे लगता था कौन करा. एक बार तुम कराना शुरू कर दो, यू गेट यूज टू इट. तो आप फाइनल लुक दो देखोगे ना तो ये भूल जाओगे, जो ये पेन है ना आपका निकल जाएगा. पेशेंस रखो. ग्लोबल अभी हमारा बाकी है, हमारा हाईलाइट्स हो गए. तो अभी टोटल कितना ग्लोबल लगाने का, कितने देर में रंग लगेगा बालों में? हाँ, ग्लोबल आपका 10-15 मिनट्स में हो जाएगा. और फिर आपका 30 मिनट्स रखना है, देन वॉश फाइनल. अच्छा, दैट्स इट. यस, बता रही हूँ मैं. ब्लू वो जब करती थी ना, मैं 9-9 घंटे बैठी हूँ सलोन में. हाँ, ब्लू में टाइम लगता है. कोई भी कलर अगर करते हैं हम तो क्रेजी कलर में बहुत टाइम जाते हैं, क्योंकि ब्लीच करते हैं. ब्लीच करते हैं और ब्लू के लिए 2-3 बार ब्लीच करना पड़ता है. पोजीशन में मैं ये कर रही हूँ. ओह माय गॉड, ये निकलेगा ना? हाँ, निकल जाएगा. फाइनली द हेयर कलर शोइंग काफी टाइम रखने के बाद एंड टाइम टू वॉश इट ऑफ. सो वी आर आउट ऑफ द हेयर वॉश. अब मुझे यहाँ पे तो फिलहाल अभी क्योंकि बाल गीले हैं समझ नहीं आ रहा, बट वी आर गोना ड्राई दिस एंड सी नाउ हाउ इट्स फाइनली लुकिंग. और ड्राई करने के बाद सडनली आई कैन सी द कलर. अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कुछ नजर नहीं आ रहा है. इंटरेस्टिंग, कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे यहाँ से देख के. अभी और भी इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको. वेरी एक्साइटेड. गाइस, द कलर इज फाइनली विजिबल. ओ माय गॉड, आई एम जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. Yeah, I definitely agree with him. मतलब I'm not saying I'm looking like a wow, but the hair is definitely looking like a wow thanks to
रेहान बहुत ही नेचुरली एंड बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। ये कराने के पहले मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये कभी नहीं करा ऐसा ब्राउन और उसमें भी हाइलाइट्स एंड वो भी टॉप टू बॉटम सब एवरीथिंग न्यू। जो कलर्स इन्होंने चूज किया परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन और मुझे फिलहाल तो इतना ज्यादा पसंद आ रहा है नाउ आई कांट वेट कल धूप में ऐसे दिन में मैं जाकर इसको चमचमाते क्योंकि इधर ही मुझे लुक एट ऑल दैट धूप में सनलाइट में और भी प्यारा लगेगा। थैंक यू सो मच यार रिहान मजा आ गया। थैंक यू अभी तो स्टाइल किया भी नहीं अभी तो हम स्टाइल भी करने वाले हैं। सो लेट्स हेयर कट भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। में सिर्फ लेयर्स है या और बहुत ही ये लाइक बटरफ्लाई कट है हमारा। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी ट्रांसफॉर्मेशन रील पोस्ट करूंगी। अगर तुम लोग मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो बट मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो फॉलो मी चेक देम आउट चेक मुंबई हेयर सलोन एंड अगर मुंबई में हो तो डेफिनेटली कम गेट अ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिहान। एंड देन वी वेंट ऑन टू डू सम सॉफ्ट कर्ल जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। एंड नाउ आर यू रेडी फॉर द बिफोर आफ्टर। आज का मेरा वीडियो दो अलग डिवाइसेस पे शूट हुआ है बट दिस इज द फाइनल एंड ऑफ द वीडियो सो आई वांटेड यू गाइस टू सी द फाइनल लुक पूरा मेरा सारे हेयर सेट वेट करने के बाद सॉफ्ट कर्ल्स करने के बाद मैं रिहान को एटलीस्ट 50,000 तो बोल ही चुकी हूँ ना कि आई एम लविंग इट थैंक यू सो मच। तो अभी कितनी बार बोलूँ मुझे ना इंस्टाग्राम के लिए इतना फेस्टिव कंटेंट शूट करना है लहंगाज एंड साड़ीज तो मैं चाह रही थी कि लेंथ भी बहुत कम नहीं हो सो इन लोगों ने एक्चुअली बहुत अच्छा ही इज गिवन मी द परफेक्ट लेंथ ऑफ हेयर कि एकदम कम भी नहीं दिखे पर कुछ चेंज हो ऐसा भी हो जाए बिल्कुल जो मुझे चाहिए था कि कुछ अलग दिखे बट कुछ अतरंगी या वियर्ड नहीं दिखे ओवर द टॉप नहीं दिखे क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ। एक बार अभी आदत हो गई तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा बोल्ड चॉइसेस कर सकती हूँ थोड़ा सामने से थोड़ा लाइट कलर वो सब। सो वीडियो खत्म करने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस सलोन का नाम है बॉम्बे हेयर सलोन। दिस इज इन द शास्त्री नगर लेन जो सप्तीवी लेन है उसके पैरेलल वाली लेन में है। सो चेक इट आउट इनका लोकेशन इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इफ यू आर इन मुंबई स्पेशली अंधेरी में हो आसपास और एकदम क्विक ब्यूटीफुल हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम रिहान और पीपल हियर इन हिज टीम जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कुछ ऑफर भी चल रहा है ना दिवाली का। हमारा अभी ऑफर है 499 में ग्लोबल एंड हाइलाइट्स विदाउट ब्लीच। अगर आप मैडम का रील्स या यूट्यूब पे ब्लॉग देख के आते हो तो आपको 10% डिस्काउंट करके एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन दैट। सो डेफिनेटली उनको बताना मेरा यूट्यूब वीडियो देख के आए हो या रील देख के आए हो लेट हिम नो सो यू गेट दैट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। थैंक यू सो मच अगेन एंड गाइज यू ऑल लेट मी नो तुम्हें ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा कॉमेंट्स में बताओ। पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है काफी टाइम से ड्यू था एंड आई एम तो लविंग इट आई एम सो हैप्पी। यू ऑल लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन कॉमेंट्स बिलो। इफ यू न्यू टू माई चैनल एंड लाइक वॉट यू वॉच्ड hit the subscribe button and the bell icon next to it and I'll see you guys soon you take care bye bye।